आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आज के टाइम पे बॉलीवुड वालों ने बहुत तगड़ा इसे सीरियस ले लिया है। हम बात करें बॉलीवुड के उन एक्टर्स की जिनके बारे में हमारे करण जौहर ने, नहीं मेरे नहीं है वो, जिसके होंगे होंगे, करण जौहर ने अपना दुख दर्द और कष्ट तकलीफें बयां करी हैं सोशल मीडिया के सामने, जहां पर उन्होंने बताया कि आज के टाइम पे बॉलीवुड के अंदर वो एक्टर जो 3.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग देता है वो भी अपनी पिक्चर को करने के लिए 35 करोड़ रुपए चार्ज कर रहा है, और जिसके कारण इंडस्ट्री जो है सिंक हो रही है। और इसका एक प्राइम एग्जांपल आगे चल के हम देंगे कि क्या क्या चल रहा है एक्चुअली में इंडस्ट्री के अंदर। बॉलीवुड में आज के टाइम पे कड़क लेवल पर एकदम फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं जो कि अपनी पिक्चरों में जो क्रू मेंबर्स थे उनका पैसा तक नहीं दे पाए। हम बात कर रहे हैं लीजेंडरी बड़े मियां छोटे मियां, गणपत, बेल बॉटम जैसी मूवीज के प्रोड्यूसर रहे पूजा एंटरटेनमेंट वालों की। अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया, एक खबर आई थी जहां पर पूजा एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन हाउस में बनी बड़े मियां छोटे मियां और गणपत मूवीज के क्रू मेंबर्स को अभी तक उनकी फीस नहीं मिली है। इवन की कुछ दिन पहले पूजा एंटरटेनमेंट के ऑनर वासु बगनानी ने ये चीज बताई कि अक्की पाजी ने हमारे पास पर्सनली फोन किया था और बताया कि भाई तुम मेरी पेमेंट को होल्ड कर दो बट क्रू मेंबर्स को बिचारों को पैसा दे दो। भाई मेरी समझ में ये नहीं आता है कि अक्षय कुमार इस मूवी के बनने के बाद पैसा मांग किस बात कर रहे हैं। टाइगर भैया ने बोला कि भाई मेरी भी फीस रिड्यूस कर दो, अभी मत दो मुझे पैसा, और भाई तुम जाओ क्रू मेंबर्स को पैसा दे दो। मतलब पिक्चर सुध 10 करोड़ रुपए की ओपनिंग नहीं ले पा रही। ये पिक्चर का लाइफ टाइम 60-70 करोड़ हो रहा है, 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड नहीं हो रहा है, जिसका बजट 350 करोड़ रुपए हो, एंड अभी भी एक्टर उस उम्मीद में है कि मुझे मेरा पैसा मिलेगा। इनको रिफंड देना चाहिए उल्टे। आज के टाइम पे अगर तुम बॉलीवुड में ढूंढने जाओगे जिस एक्टर ने 4 से 5 जगह करी हो, एक आध हिट दी हो, तो उस बंदे की फीस तुम्हें 10 करोड़ से ऊपर ही मिलेगी, भले ही बंदे की पिक्चर लाइफ टाइम में 20 से 25 करोड़ रुपए कमाए। अब अक्षय कुमार का एग्जाम्पल देख लो, नहीं बार बार अक्की पाजी आ रहे हैं, मैं उनका कोई हेटर नहीं हूं, बट वो एग्जाम्पल के तौर पर ज्यादा सेट बैठते हैं, ज्यादा पिक्चरें करते हैं, ज्यादा फ्लॉप देते हैं, ज्यादा पैसा लेते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं ना, इसलिए उनका नाम बार बार आना लाजमी हो जाता है। अक्की पाजी की बेल बॉटम के लिए उस टाइम पर जब अक्की पाजी 2019 के पीरियड में थे एकदम गोल्डन एरा चल रहा था, किसी ने बताया कि 180 करोड़ रुपए उन्होंने चार्ज किए थे, और इसी का वो नतीजा है कि बेल बॉटम का बजट 200-250 करोड़ पहुंच गया, जो कि एक नॉर्मल सी थ्रिलर पिक्चर थी। लास्ट में एक एरोप्लेन और थोड़ी सी आंधी दिखानी थी उन्हें, जो कि ठीक से ढंग से दिखा नहीं पाए पूजा एंटरटेनमेंट वाले, एंड भाई इस चीज के लिए मैं उन्हें दोषी मानता भी नहीं हूं कि भाई जब 180 करोड़ पूरा जो है एक्टर लेके जाएगा तो तुम VFX डिपार्टमेंट को क्या दोगे। तमिल की एक मूवी थी विक्रम वेदा, जिसका हिंदी रीमेक बना था विक्रम वेदा के नाम से, जहां पर ऋतिक रोशन और सैफ अली खान उस मूवी के अंदर थे। कुछ लोगों ने बताया कि वो मूवी जो है 180 करोड़ रुपए में बनी थी बॉलीवुड के अंदर, जबकि ओरिजिनल वाली को मात्र 15 से 20 करोड़ के अंदर ही बना लिया गया था। इवन की डायरेक्टर और राइटर जबकि पिक्चर के दोनों सेम थे, कैसे इतना बड़ा डिफरेंस आया? उसका रीजन थे हमारे ऋतिक रोशन। इससे पहले उन्होंने वॉर जैसी एक ब्लॉकबस्टर मूवी दी थी, और बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन ने उस मूवी के लिए अप्रॉक्सिमेटली 7 से 70 करोड़ रुपए जो है चार्ज किए थे, और भाई इसका परिणाम ये हुआ कि 150 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करने के बाद भी विक्रम वेदा फेल रही, और वहीं पर जो तमिल की पिक्चर थी वो 100 करोड़ के अंदर कमा के भी एक ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड अपने नाम पे ले जाती है। बड़े बड़े बजट की जब बात हो रही है तो हमारी लीजेंडरी आदि पुरुष कैसे पीछे रह सकती है, जिसका बजट अप्रॉक्सिमेटली 600 करोड़ के आसपास था, पहले के टाइम पे 550 करोड़, उसके बाद कहा कि दोबारा बनाएंगे तो 650 करोड़, एंड पिक्चर के VFX वगैरह तुमने अच्छे से देखे होंगे कि भाई पिक्चर के अंदर क्या था। उसका भी एक रीजन है कि प्रभास जो कि उस मूवी के मेन लीड एक्टर थे, उन्होंने उस मूवी के लिए 150 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, और मेकर्स ने बड़े हंसी खुशी दिए थे कि लो भाई ले जाओ यार, तुम बड़े एक्टर हो और 150 करोड़ लेके जाओ। और इसका परिणाम ये हुआ पिक्चर के अंदर तुमने देखा ही है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 150 करोड़ अगर प्रभास को दिए इन लोगों ने तो ये दिल फेंक आदमी रहे होंगे, सैफ अली खान को भी 10-15 करोड़ पकड़ाए होंगे, ओम रावत ने बोला ये तो अपना ही माल है तो थोड़ा इधर भी दो, कृतिक सैनन थोड़ा लंबी ज्यादा है उनको भी पैसा दो, 250 करोड़ तो इन्होंने केवल कास्टिंग में खर्चा किए होंगे, और उसके बाद इतना सारा CGI कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी पिक्चरें आई हैं सबसे ज्यादा VFX शॉर्ट वाली पिक्चर थी वो। और आगे चल के तुम्हें पता ही कि उसके साथ क्या हुआ फिर। एक्टर्स की जो फीस होती है वो मूवीज को कितना ज्यादा इफेक्ट करती है, इसका एग्जांपल तुम लोग दो मूवीज से, जिनमें से पहली है ब्रह्मास्त्र और दूसरी एनिमल। ब्रह्मास्त्र का बजट अप्रॉक्सिमेटली 350 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, तुम उसे आदिपुरुष से कंपेयर करो, इवन की आज के टाइम पे कल की 2898 जो की 600-700 करोड़ के बजट में बन के तैयार हुई है, उसके साथ भी कंपेरिजन करो तो ब्रह्मास्त्र आज के टाइम के इंडियन सिनेमा की टॉप VFX वाली पिक्चर है, जिसके VFX का कोई तोड़ नहीं है। जिसका रीजन क्या है कि भाई रणबीर कपूर ने
पिक्चर के लिए कोई चार्ज किया ही नहीं था। उन्होंने बोला था कि अपन को पिक्चर बनाने दो, फर्स्ट ऑल पूरा बजट इसमें डालो, प्रॉफिट होगा तो अपन उसमें ले लेंगे। यही सेम कहानी थी एनिमल की, जहाँ पर रणबीर कपूर ने डायरेक्टली मना कर दिया था, मुझे पैसा अभी नहीं चाहिए, इसकी क्वालिटी मेंटेन करने में पैसा लगाओ। और वो तुम परिणाम देखते हो कि एनिमल कितनी टॉप क्लास की मूवी निकल के आती है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब इतना सारा चीजें चल रही तो ये प्रोडक्शन हाउस क्यों 100-100 करोड़ रुपए किसी को दे देते हैं? भाई उनकी जगह कोई दूसरा बंदा ले लो, उस बंदे को लो ही ना, क्यों इतने सुपरस्टार जो 2.5-2.5 करोड़ की ओपनिंग दे रहा है इन पे पैसा स्पेंड कर रहे हो? तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम ही हैं। पब्लिक को आदत है सुपरस्टार्स को देखने की, प्रोडक्शन हाउसेस को ऐसा लगता है कि अगर हम कोई सुपरस्टार बिठाएंगे तो आराम से पिक्चर चल जाएगी, नहीं बिठाएंगे तो भाई न्यू कमर होगा। तो अभी तुम देख ही रहे हो किल नाम की पिक्चर आई है, तगड़ी वाली रेटिंग मिल रही है, सब कुछ बेहतरीन है, बट स्टिल उसके लिए 2-2.5 करोड़ का चिंदी कलेक्शन ही पकड़ा गई पब्लिक। इसीलिए प्रोडक्शन हाउस उस चेहरे को ढूंढते हैं जिसकी फेस वैल्यू अच्छी खासी हो। पिक्चर चलनी होगी तो चल जाएगी, नहीं चलनी होगी तो नहीं चलेगी। फेस वैल्यू अच्छी होने का इफेक्ट ये पड़ता है कि अगर पिक्चर थिएटर में नहीं चली तो कोई बात नहीं, ओटीटी पार्टनर्स उसे अच्छे खासे रेट में खरीदेंगे, डिजिटल मार्केट में ठीक ठाक चल जाएगी, गाने बढ़िया से बिक जाएंगे। मतलब वो थोड़ा सा बड़े लेवल की चीजें होती हैं, पैसा रिकवर होने का ज्यादा चांसेस रहता है। हालांकि आज के टाइम पे थोड़ा सा चीजें बदल चुकी हैं, पब्लिक सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार्स को नहीं बल्कि एक अच्छे कॉन्टेंट की भी दीवानी है। तो अगर ये लोग ऐसा करें कि एक अच्छी खासी स्टोरी लेके आए, उसमें 10-15 करोड़ डाल के पिक्चर बनाए तो वो चलेगी। एज लाइक की 12th फिल्म विक्रांत मैसी की, अभी मडगांव एक्सप्रेस आई थी, श्रीकांत जैसी मूवीज, राजकुमार राव का कोई बॉक्स ऑफिस पुल नहीं है बट स्टिल वो BMCM से तो कहीं ज्यादा प्रॉफिट दे ही रही है ना। खैर तुम्हारा इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, नहीं करोगे तो भाई पंडित आदमी थोड़े से चुने टोटके भी आते हैं।